दोस्तों, अगर आप भी मर्दानी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों, ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीसुसेन गुप्ता, ताहिर भसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा, सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वह अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जांच शुरू करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज भसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलियाल अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वह करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज
के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेश का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी, और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीसुसेन गुप्ता, ताहिर भसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा, सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वे अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जांच शुरू करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज भसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी
करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलिया ले अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वह करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेश का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीसुसेन गुप्ता, ताहिर भसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा, सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वह अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के साथ रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जाँच शुरू करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज बसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलियाल अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वह करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेश का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीसुसेन गुप्ता, ताहिर बसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा,
सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वे अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जांच शुरू करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज बसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलियाल अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वह करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेश का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है।
रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीसुसेन गुप्ता, ताहिर भसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा, सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वह अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के साथ रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जांच शुरू करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज भसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलियाल अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वह करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेश का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हां दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों।
दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीसुसेन गुप्ता, ताहिर भसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा, सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वह अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के साथ रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जांच शुरू करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज भसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलियाल अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वे करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और
उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेश का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी, और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीसुसेन गुप्ता, ताहिर भसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा, सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वे अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के साथ रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने
प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जाँच शुरू करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज बसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलिया ले अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वे करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेस का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीसुसेन गुप्ता, ताहिर बसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा, सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये अपनी ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको
अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वे अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के साथ रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जांच शुरू करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज बसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलियाल अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वह करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेश का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है।
रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीसुसेन गुप्ता, ताहिर भसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा, सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वे अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के साथ रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जांच शुरू करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज भसीन है। बाल तस्करी और नशीली दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलियाल अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वह करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेश का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों।
दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीसुसेन गुप्ता, ताहिर भसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा, सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वे अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के साथ रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जांच शुरू करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज भसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलियाल अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वह करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज
के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेश का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी, और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीशु सेन गुप्ता, ताहिर भसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा, सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वे अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के साथ रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जांच शुरू करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज भसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण
करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलिया ले अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वे करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेश का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हां दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीशु सेन गुप्ता, ताहिर भसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा, सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वह अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के साथ रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जाँच शुरू करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज बसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलियाल अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वह करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए डेड संकल्प शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेश का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हां दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीशु सेन गुप्ता, ताहिर बसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा,
सारी का रेना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वे अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के साथ रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जांच शुरू करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज बसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलियाल अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वह करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेश का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है।
रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीशु सेन गुप्ता, ताहिर भसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा, सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वे अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के साथ रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जांच शुरू करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज भसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलियाल अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वह करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेश का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों।
दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीसुसेन गुप्ता, ताहिर भसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा, सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वे अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के साथ रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जांच शुरू करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज भसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलियाल अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वह करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और
उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेश का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हां दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी, और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीसुसेन गुप्ता, ताहिर भसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा, सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वे अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के साथ
साथ रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जाँच शुरू करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज भसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलियाल अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वह करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेश का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीसुसेन गुप्ता, ताहिर भसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा, सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको
अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वे अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जांच शुरू करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज बसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलियाल अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वह करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेश का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है।
रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीसुसेन गुप्ता, ताहिर भसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा, सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वे अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के साथ रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जांच शुरू करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज भसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलियाल अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वह करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेश का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों।
दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीसुसेन गुप्ता, ताहिर भसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा, सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वह अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जांच शुरू करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज भसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलियाल अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वह करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज
के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेश का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी, और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीसुसेन गुप्ता, ताहिर भसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा, सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वे अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जांच शुरू करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक
सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज बसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलियाल अनंत विदात शर्मा से होती है जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वह करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेश का दुरुपयोग किया जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीसुसेन गुप्ता, ताहिर बसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा, सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है,
आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वह अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जांच शुरू करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज बसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलियाल अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वे करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेश का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी
काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीसुसेन गुप्ता, ताहिर भसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा, सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वह अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के साथ रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जांच शुरू करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज भसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलियाल अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वह करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेश का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए
दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेस बताया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीसुसेन गुप्ता, ताहिर भसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा, सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वह अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के साथ रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जांच शुरू करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज भसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलियाल अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वह करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेश का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीसुसेन गुप्ता, ताहिर भसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा, सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वे अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के साथ रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जांच शुरू करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज बसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलियाल अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है
जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नजर रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वह करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेस का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीसुसेन गुप्ता, ताहिर भसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा, सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वे अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के साथ रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जांच शुरू करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज बसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलियाल अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वह करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेश का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी मर्दानी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 अगस्त 2014 में रिलीज की गई क्राइम एंड एक्शन मूवी मर्दानी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रदीप सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मूवी भी 2014 में रिलीज की गई थी और आज भी दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और रोटेन टोमेटोस ने भी दोस्तों इस मूवी को 69% तक फ्रेश बताया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रानी मुखर्जी, जीसुसेन गुप्ता,
ताहिर बसीन, अवनीत कौर, प्रियंका शर्मा, सानंद शर्मा, अनिल जॉर्ज, संजय तनेजा, सारिका रैना, आशीष वारंग आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत मुंबई पुलिस की एक समर्पित अपराध शाखा वरिष्ठ निरीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय द्वारा रहमान नामक एक दलाल को उसके ठिकाने से पकड़ने के लिए चलाए गए एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन से होती है। वे अपनी टीम के साथ अंदर आती है और रहमान को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मालकिन को बचा लेती है। शिवानी अपने पति डॉक्टर विक्रम रॉय और किशोर भतीजे मीरा के साथ रहती है। फिल्म से पहले उन्होंने प्यारी नाम की एक अनाथ लड़की को उसके चाचा द्वारा बेचे जाने से बचाया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन शिवानी को पता चलता है कि प्यारी अपने आश्रय गृह से 5 दिनों से गायब है और वह जांच शुरू करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे मास्टरमाइंड दिल्ली का एक सरंगना है जिसका नाम करण रस्तोगी ताहिर राज बसीन है। बाल तस्करी और नशीले दवाओं से जुड़ा एक कार्टेल शिवानी करण को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी और कर्तव्यों से परे जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शिवानी रहमान को करण के सहयोगियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करती है और उसकी मुलाकात सनी कातलियाल अनंत विदात शर्मा से होती है, जो एक कार डीलर है जो मुंबई के करण के तस्करी व्यवसाय का संचालन करता है। करण को पता चलता है कि शिवानी उसके कार्टेल की गतिविधियों पर नज़र रख रही है और बोझ बनने के लिए कात्याल को मारने की कोशिश करती है। हालांकि शिवानी कात्याल को बचाती है और वह करण को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित शिवानी करण के सहयोगी वकील को ढूंढती है। गुस्से में करण यह सुनिश्चित करता है कि प्यारी को हर दिन बेचा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। चेतावनी के रूप में उसने फर्जी खबर फैलाई कि शिवानी के पति ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपने पेश का दुरुपयोग किया, जिसके कारण विक्रम को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। फिर वे प्यारी की एक उंगली काट देता है और उसे एक उपहार बॉक्स में शिवानी के घर भेज देता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।